बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार बहुत ही जायकेदार फिश फ्राई की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी होती है। ये देख सकते हैं कितनी टेस्टी और कितनी जूसी जूसी फिश फ्राई बनी है। आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ फिश को वॉश करने का तरीका भी शेयर करूंगी। तब हम मजेदार और जायकेदार से फिश फ्राई बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फिश फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने 2 kg जो है फिश ली है। ये देखिए, हमने फिश के इस तरह के पीस करे हैं, थोड़े मोटे, आप चाहें तो बारीक पीस भी करा सकते हैं। तो हमने फिश को वॉश करने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगाने, जिससे इसकी सारी स्मेल जो है वो चले जाएगी, इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी। तब हम वो 2 इंग्रेडिएंट्स डालते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून सॉल्ट लेंगे, नमक 1 टेबलस्पून भरकर अजवाइन ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। तब हमने इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तब हम इसे फिश के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे दोनों साइड के ऊपर। हम इसे अच्छे से गार्निश करेंगे और इसे अब हम हाथों की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। तब हमने एक साइड के ऊपर अजवाइन और नमक लगा लिया, तब हम इसे टर्न कर देंगे और फिर दूसरी साइड के ऊपर भी अजवाइन और नमक डालेंगे। अब हम इसके ऊपर भी अजवाइन और नमक डालेंगे। अब हम इसे हल्के हाथों से फैला लेंगे। अगर हम इसे ज्यादा जोर से फैलाएंगे तो भी बोटी जो है वो टूट जाएगी। अब हमने नमक और अजवाइन को फिश के ऊपर मैरिनेट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। जितनी देर तक हम फिश को रेस्ट में रखते हैं, उतनी देर तक हम फिश का मसाला रेडी कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 5 टेबलस्पून भर के बेसन के ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून। अब ये 5 लास्ट टेबलस्पून ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून योगर्ट के ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के फ्राई फिश मसाला ऐड करेंगे। अगर आप इसे और स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर या फिर कुटी सब्ज मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। जो बाजार में फिश मिलती है उसके मसाले के अंदर पानी ऐड करते हैं। तब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अब हम इसके अंदर और दूध ऐड करेंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके अंदर कोई गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। ये देख सकते हैं, इतना का हमें फिश का बैटर चाहिए। ये देखिए, इस तरह का हमारा फिश का बैटर रेडी हो गया। तो फिश को नमक और अजवाइन लगाए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तब हम फिश को वॉश कर लेंगे। हल्के हाथों से इसे हम वॉश करेंगे। तो फिश जो है अच्छे से वॉश हो गई, तब हम फिश को साइड पे रख देंगे और अब हम ये फिश को भी वॉश कर लेंगे। तब आप देख सकते हैं, हमने फिश को वॉश कर लिया है। तब हम फिश के ऊपर मसाला लगाएंगे। ये मसाले के अंदर डिप किया और ये दोबारा टर्न कर देंगे। देखिए अच्छे से इसके ऊपर मसाला कोट हो रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर हम फिश उठाएंगे और इसे मसाले के अंदर कोट कर देंगे। अच्छे से मैरिनेट करेंगे मसाला फिश के ऊपर। अब हम फिश को निकाल लेंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो मछली की ग्रेवी के अंदर नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने मछली की ग्रेवी के अंदर नमक नहीं ऐड किया। फिश के ऊपर भी हमने नमक मैरिनेट किया था और जो हमने इसके अंदर मसाला ऐड किया उसके अंदर भी पहले से नमक होता है, तो इसलिए हम मछली मसाले के अंदर जो है वो नहीं ऐड करेंगे नमक। अगर आपको नमक ज्यादा लेना पसंद है तो आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं।
इसी तरह अब हम सारे फिश के ऊपर मसाला कोट कर देंगे। कुछ मछली के पीस को हम अभी फ्राई कर लेंगे और जो बाकी के पीस है उसे हम फ्रीजर में स्टोर कर देंगे। हम फ्रीजर के अंदर मछली के पीस को जो है 1 मिनट तक स्टोर कर सकते हैं। जब आपका मछली खाने का दिल करे तो आप फ्रीजर से मछली निकालें। इसे आप आधे घंटे के रूम टेम्परेचर के ऊपर करें और फिर आप इसे फ्राई कर लें। ऑयल जो है वो अब हॉट हो गया है, तब हम फिश को फ्राई कर लेंगे। हमने फिश को फ्राई करते वक्त ऑयल जो है वो ज़्यादा हॉट नहीं रखना, वरना फिश जो है ऊपर से पक जाएगी और अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी। हमने फिश को जो है वो 7 से 8 मिनट के लिए एक साइड के ऊपर फ्राई करना है। हमने फिश को जो है वो टर्न नहीं करना, वरना फिश का सारा मसाला जो है वो ऑयल के अंदर फैल जाएगा। हम 7 मिनट जो है फिश को एक साइड पर कुक करेंगे और 7 मिनट जो है हम दूसरे साइड पर कुक करेंगे फिश को। तब हम फिश को जो है वो टर्न कर देंगे। तब हमने फिश को दोनों साइड से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया फिश के ऊपर। तब हम फिश को जो है वो डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया फिश के ऊपर। तब हम इसी तरह बाकी की फिश भी फ्राई कर लेंगे। तब हमने फिश को दोनों साइड से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया फिश के ऊपर। तब हम फिश को जो है वो डिश आउट कर लेंगे। तब हमने फिश फ्राई को जो है वो डिश आउट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की मजेदार और जायकेदार से फिश फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे आप लाजमी कमेंट्स बताना कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह।